हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंत में बताया था कि आपकी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है, आप लोग उसे खरीद लें ताकि हम आपके सिलेबस को सिलसिलेवार तरीके से शुरू कर सकें, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों ने अपनी पुस्तकें खरीद चुके होंगे। तो बच्चों, आइए हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से ही कुछ पढ़ाते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम आपको ये बता दें कि ये जो आप सामने देख रहे हैं यह कविता है और ये कक्षा 6 के लिए है। कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम लोग एक हिंदी फर्स्ट की पुस्तक पढ़ते हैं। हिंदी फर्स्ट में पहला अध्याय स्वदेश प्रेम, यह एक कविता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यह स्वदेश प्रेम क्यों लिखी गई है, इस कविता का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए, जो कवि ने खुद लिखा है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि अपनी मातृभूमि के प्रति उदासी और स्वार्थ पूर्ति हेतु स्वयं के प्रति क्रियाशील लोगों के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम और उसके प्रति उनके दायित्वों व कर्तव्यों का बोध कराने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चों, आप इसे समझ गए होंगे। मैं इसे फिर से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे कवि ये चाहते हैं, ये इस कविता को लिखने का उद्देश्य कवि का यह है कि जो भी लोग इस देश में रहते हैं उनके हृदय में कहीं ना कहीं देश प्रेम कम हो गया है। वो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं पर देश के प्रति प्रेम को नहीं दिखा पाते, नहीं रख पाते। तो वैसे लोगों के हृदय में कवि ने देश प्रेम को जगाने का प्रयास किया है। आइए हम इस कविता को पढ़कर आपको समझाते हैं। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, ध्यान दीजिए बच्चों, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। इसका तात्पर्य है कि जो विषुवत रेखा का वासी है, कहने का मतलब है बच्चों वैसा जगह जहां काफी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी में जहां लोग हाँफ हाँफ कर अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं, अपना काम करते हैं, फिर भी उनके मन में एक विशेष अनुराग होता है देश के प्रति। वह भी अपनी मातृभूमि पर एक विशेष अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं अपने देश से। और बच्चों, अब दूसरा आइए, ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। बच्चों, कवि अपनी दूसरी पंक्तियों में कहते हैं कि जो ध्रुववासी हैं, कहने का तात्पर्य जो शीत प्रदेशों में रहते हैं जहां इतनी ठंड पड़ती है कि लोग जहां जम जाते हैं ठंड से, वैसे जगहों में भी, वैसे प्रदेशों में रहने वाले लोग भी जहां काम काम कर जीते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार होते हैं। आई बच्चों, तीसरे पंक्ति में हम जाते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। ये दोनों पंक्तियों के बाद, ये एहसास लाने के बाद कवि लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां विषुवत रेखा के वासी भी हाँ हाँ कर अपने देश के प्रति अलौकिक अनुराग रख रहे हैं, जहां शीत प्रदेश में भी रहकर जहां काम काम कर लोग अपनी दिनचर्या को काट रहे हैं, वहां के लोग भी अपनी मातृभूमि पर प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। हे बच्चों, तुम तो, हे हमारे प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग से सुखद सकल विभवों की आकर, तुम सुखद
भूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। चौथे पंक्तियों में हम आते हैं, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको है वीरों के वंशज। कवि वीरों के मन में ये बात जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे वीर, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण करते हो, जिसकी धूल को लेकर तुम बड़े हुए हो, तुम ऐसे वीरों के वंशज हो जिसने तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों को त्याग चुके हैं, बलिदान कर चुके हैं। तुम उनके बलिदानों को कैसे त्याग कर सकते हो जब तक तुम्हारा ये शरीर है, तुम उनके बलिदानों का त्याग नहीं कर सकते। जब एक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। कहने का तात्पर्य है कवि का कि हे वीर, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे सांस में एक भी सांस बाकी हो, तुम्हारे जीवन में धड़कन का एक भी अवशिष्ट बाकी हो, रखो गौरव से ऊंची पलके। कहते हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में एक भी सांस एक भी धड़कन बची हो, तब तक अपनी पलके यानी अपने अपना अभिमान ऊंचा करके रखो, ऊंची पलके रखो, सिर ऊंचा रखो, मन ऊंचा रखो। कहने का मतलब अपना आत्मबल मजबूत रखो, गर्व से अपना सिर ऊंचा रखो। उसी प्रकार छठी पंक्तियों में कवि कहते हैं, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, हे वीर, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त का एक भी बूंद शेष हो, जब तक तुम्हारे तन में रक्त का एक भी बूंद शेष हो, हे शत्रुंजय, शत्रुंजय का अर्थ हुआ शत्रुओं पर विजय पाने वाला, दीन वचन मुख से ना उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। इसका मतलब है कि जब तक आपके शरीर में रक्त का एक भी बूंद शेष हो, तब तक हे वीर अपने मुख से हारने का या हींद वाली कोई भी बात ना उचारो, अपने मन में मृत्यु का कोई भी भय न रखो, क्योंकि तुम उस देश में जन्म लिए हो जहां वीरों की गाथा गाई जाती है, आप वीरों के वंशज हो। तो इस प्रकार कवि ने वीरों के मन में देश के प्रति प्रेम को जगाने का जो काम किया है वह सराहनीय है। तो बच्चों, ये जो आप कविता देख रहे हैं ये किसी काव्य संग्रह से संकलित है। तो बच्चों, इस कविता को आप लोग दोहराएंगे, और इतना ही नहीं, कविता को पढ़ने के बाद इससे आप जो सीख मिल रही है उसे भी ग्रहण जरूर कीजिएगा, और अपने मन में भी देश के प्रति प्रेम को जगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो कोशिश है कवि की ये बेकार नहीं जानी चाहिए। देश के प्रति मन में प्रेम होना ही चाहिए, देश के प्रति जब भी जरूरत पड़े हम बलिदान करने के लिए भी हर वक्त तैयार रहे। तो बच्चों, आप लोग इससे संबंधित शिक्षा को ग्रहण करते हुए इसे जरूर याद करें, और ये पहले अध्याय का जो कविता है, इस अध्याय में जितने भी आपको अभ्यास दिया गया होगा बच्चों, आप उसे जरूर पूरा करें। सबसे पहले तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो कठिन हैं, आप उसका शब्दार्थ याद कीजिएगा, उसके बाद उससे संबंधित सारे प्रश्नों को आप घर पर बड़ों की मदद से उसे बनाइएगा। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, हम दूसरे एपिसोड में आपके लिए कुछ और लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।